Hi dear students, hi once again. I'm here as per some of my dear students' request to give you some last minute tips for tomorrow's English exam. What are the things, the time management and the presentation, right? So quickly we can start. Without further ado, we can start that, right? Yes, as tomorrow you all are going to write the class 12 English exam. Right, you know that there are three sections, right? Reading section, a writing section, and literature section, right? Some of the things you have to be careful, as it is a language, right? So most probably बच्चों के सबसे ज्यादा problem ये होती है, they are not getting enough time for writing the exam. Language की सबसे बड़ा problem यही होती है, right? So that's why I'm giving some of the tips so that you can, if you take care of all these things, you can manage your time very well and you can score very good marks. So don't take any of the exam lightly because it's very important to improve your percentage, right? So time management and presentation is very important to get a good mark, right? Aapne acche packet mein sajakar, right? Sajakar in the sense, if your presentation is good, then only it will be catchy and the teacher, the evaluator will give you enough marks properly, right? Aapne kitne bhi acche likha hai, wo dang se nahi likha hai, neatly nahi likha hai, तो वो इवेल्युएटर की आंखों में नहीं आएगा ढंग से एंड यू आर एक्चुअली लॉसिंग देयर टाइम, राइट? सो यू नो दैट इवेल्युएशन के टाइम में बहुत कम टाइम एक पेपर के लिए मिलती है. सो यू मस्ट बी मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल, राइट? सो नीटनेस इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, राइट? सो वी विल क्विकली गो थ्रू दैट व्हाट आर द पॉइंट्स, राइट? So you all know that the 15 minutes reading time, as I have already explained in my the previous video, you have to utilize the reading time very well. 15 minute reading time बहुत अच्छे से utilize करना है, right? So my suggestion is that पहले reading session मत पढ़ो. Don't read the comprehension or unseen passage first. Go to the writing section, right? And decide कौन सी letter आपको लिखना है. राइट, कौन सी रिप्लाई, रिफ्यूसल, इनविटेशन, वॉट एवर इट इज, वो आपको डिसाइड करना है. कौन सी नोटिस, आपको क्या क्या उसमें कंडक्ट लिखना है, राइट? आर्टिकल और रिपोर्ट कौन सी आपको चूज करना है, राइट? और आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, मेक एन आइडिया वॉट टू राइट. इवन आप क्वेश्चन पेपर में साइड में पेंसिल से आपका पॉइंट्स भी लिख कर रख सकती है, राइट? एंड अगेन वन माई सजेशन इज दैट अभी तक कोई भी बच्चे इसी पोर्शन, राइट, एक बार भी लिखकर प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज डू इट. एग्जाम टाइम में जाकर कुछ भी नहीं आ रहा, दैट ना उधर से कुछ भी आप बना नहीं सकती. तो बेटर अभी भी टाइम है आपके पास, एटलीस्ट एक बार ये सारे थिंग्स, एक एक एग्जाम्पल ईच यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, राइट? सो आपको क्वेश्चन पेपर में नो पॉइंट्स नोट करके रखो. देन वंस यू फिनिश दिस, राइट, गो टू द कॉम्प्रेंशन और अनसीन पैसेज. मैं नहीं बोल रही आपको पूरा 15 मिनट्स इसमें ही स्पेंड कर दो, थोड़ा सा आइडिया लगा कर रखो सो दैट आपको माइंड में आइडिया होगा, देन यू कैन इलाबरेट दैट, राइट? सो गो फॉर द कॉम्प्रेंशन सेशन और अनसीन केस बेस्ड पैसेज विल बी देयर. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, राइट? देन रीड द पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ रीड करने के वक्त भी आपको ऑलरेडी आइडिया मिलेगा वो पैराग्राफ किसके बारे में बोला होगा, राइट? सो क्वेश्चन रीड करो तो यू कैन सी दैट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन द सीक्वेंस. तो पहले पैराग्राफ में पहले की क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टार्ट अंडरलाइनिंग योर आंसर, राइट? फिर वो सेम टू सेम छापना मत. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, क्या पूछा है उसके हिसाब से आपका खुद की लैंग्वेज में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इन योर ओन वर्ड्स, देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, राइट? लिटरली लैंग्वेज वगैरह क्वेश्चन पेपर से एज सच छापना नहीं है. मेक इट टू योर ओन सेंटेंस, राइट? कीवर्ड्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं बट मेक इट टू योर ओन वर्ड्स, राइट? देन अभी भी आपका 15 मिनट्स में टाइम अलाउस है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू वो 15 मिनट आपको अच्छे से मिलेगा इफ यू हैव फिल्ड योर ऑमर शीट प्रॉपरली. तो पहले वो वीडियो आपको कैसे ऑमर फिल करना है वो देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज डू वॉच इट, राइट? सो आपको टाइम अलाउ है, देन लिटरेचर पार्ट में जाओ. उधर भी आपको इंटरनल चॉइसेस दिया होगा कौन सी, वॉट क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड. मे बी कुछ चैप्टर्स आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो उसी चैप्टर नहीं चूज करना है. तो कौन सी चैप्टर की अच्छे से, राइट, जो आपको अच्छे से पता है, विच यू नो वेरी वेल, वो अच्छे से लिख पाएगा, वो वाला इंटरनल चूज कर दो और उधर ही मार्क कर रखो, दिस आई एम गोइंग टू राइट. सो दीज ऑल थिंग्स वो 15 मिनट में आपको करना है, राइट? सो यूटिलाइज द
15 मिनट्स वेरी वेल एंड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. बहुत सारे बच्चे होती है आधा क्वेश्चन पढ़कर छोड़ देती है. बेटा कभी भी ऐसे मत करना. वो आपको क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से आपको चुनना है वो अच्छे से आपको रीड करना है. कभी कभी क्वेश्चन की फर्स्ट में शुरुआत में कुछ पूछा और होगा, लास्ट एंड तक उसका मीनिंग अलग आती है. तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस केयरफुली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन राइटिंग ऑर्डर कैसे होना चाहिए. रीडिंग ऑर्डर मैंने आपको बोला था रीडिंग सेशन नहीं है, आपको राइटिंग सेशन में पहले रीड करना है. राइटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट बी ए बी एंड सी. कभी कभी कुछ टीचर सजेस्ट करती है बेटा राइटिंग सेशन से शुरू करो, दैट विल बी रियली गुड. अप टू यू, बट मैं सजेस्ट करती है राइटिंग ऑर्डर बिकॉज मेरे हिसाब से वो सही है. क्योंकि सी सेक्शन जो लिटरेचर सेशन होती है वो आपका ऑलरेडी नॉन है, ए और बी पार्ट अननोन है, राइट. तो मेरे जब मैं एग्जाम लिखती थी तब मेरे को क्या आती है, राइट, ऑलरेडी नॉन पार्ट है ना, मैं जल्दी में लिख सकती है बिकॉज आई नो द वर्ड्स, आई नो दैट हाउ टू पुट इट, राइट. सो आपको उसके बारे में अच्छे से पता है. इवन थोड़ा सा कम टाइम है तो भी कुछ ना कुछ लिखकर फिनिश करेगी स्पीड में. मैं स्पीड उधर बढ़ा सकते हैं, राइट. लिटरेचर सेशन में मेरे को आराम से टाइम मिलेगा और मैं इतना स्पीड बढ़ा सकते हैं. बट इसी पोर्शन में ए और बी में मेरे को थिंक करना है, मेरे को सोचना पड़ेगा क्या लिखना है कैसे लिखना है. इसलिए 15 मिनट आपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया, देन इट विल बी मोर यूजफुल, राइट, मोर इजी. फिर भी आपको ए और बी पार्ट में मे बी इफ इट इज इफ यू आर पुटिंग एट द लास्ट, चांसेस है थोड़ा सा टाइम नहीं है इनफ, राइट. सो दैट मीन्स एक्चुअली वंस द टाइम इज वेरी लेस, अगेन आपका आप पैनिक हो जाएगी, राइट. यू विल बिकम रियली अंडर प्रेशर, राइट. ये सब कुछ बोलती है मैम ऐसे नहीं होती है. बेटा हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन खुद भी एक्सपीरियंस किया है, ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में, राइट, एक प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो बेटर यू कैन यूटिलाइज दैट फर्स्ट ए एंड बी पहले, then you can think it properly, so you can follow the order properly, up to you. again मैं बता रही है, मैं writing session को पहले लिखने के लिए suggest नहीं करती, right. then आपका मर्जी है उसके ऊपर कौन सी choose करना है, मैंने reason already आपको बता दिया है, right. now you have to go for the writing session, right. राइटिंग सेशन में यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट करेक्टली. बेटा पूरा कभी कभी टीचर्स पूरा पढ़ने की टाइम उनके पास नहीं मिलती है, सो दे विल स्टिक ऑन टू द फॉर्मेट. तो ऑलवेज गो फॉर द फॉर्मेट, वो अच्छे से देख लेना. इसलिए मैं आपको बोल रही है एटलीस्ट एक बार, राइट, मिनिमम. अभी तो एक बार लिखने की टाइम भी बाकी है, सो दैट्स व्हाई टेलिंग, राइट, एक बार तो घर से लिखकर देखना ही है, राइट. और मोस्ट प्रोबेबली आपको फॉर्मेट सब कुछ लिख लिया था, बाकी जो भी रिमाइंडिंग आपको लिखना है वो क्वेश्चन पेपर से मिल जाती है, आप उसके अंदर वो भरना, राइट, वर्ड लिमिट को फॉलो कर लेना एंड यू जस्ट फिल इट, राइट. कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही है, तो एक बार लिखकर देख लीजिए. अभी भी बच्चे हैं, आई नो दैट दोस आर सीइंग दिस वीडियो ऑल्सो, मे बी यू हैवंट इवन ट्राइड, सो प्लीज डू ट्राई इट. आपको इजीली मिलने वाले मार्क है, छोड़ना नहीं है, राइट. नाउ लास्ट थिंग्स व्हाट यू हैव टू गो दैट, राइट. सो रीडिंग आपको बहुत रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको बता दिया था. कोई भी क्वेश्चंस आपको लीव नहीं करना है, राइट, कुछ ना कुछ तो लिखकर लिखना है, वो कंपल्सरी है. फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, राइट. आंसर मस्ट बी पॉइंट टू पॉइंट, दैट मीन्स एक्चुअली इट मस्ट बी टू द पॉइंट, राइट. बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए आपका आंसर, राइट. यू कैन राइट इन पॉइंट्स टू, अगेन मैंने आपको बता दिया था. बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचती है लैंग्वेज में आपको बिल्कुल ऐसे लॉन्ग आंसर जैसा लिखना है, ऐसे कुछ भी नहीं है. आप एरो यूज करके पॉइंट पॉइंट्स में भी लिख सकती है, बट इट मस्ट बी अंडर द वर्ड लिमिट, दैट्स व्हाई मैं बता रही है. आप पॉइंट्स या आपका लिटरेचर पार्ट लिखने में भी और कॉम्प्रहेंशन लिखने में भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट. सिंपल लैंग्वेज यूज करो. कुछ बच्चे ऐसे होती है एक बार दिखाने के लिए, आपका नॉलेज दिखाने के लिए लिटरेरी वर्ड्स वगैरह यूज करती है, बेटा उसका कोई जरूरत नहीं है. आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करना है. हमेशा एक गुड इंट्रोडक्शन से, दैट मीन्स एक पॉजिटिव स्टार्टिंग एंड एंडिंग बहुत जरूरी है. एक अच्छी इंट्रोडक्शन, कैची इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वो आपका राइटिंग पार्ट है, लिटरेचर पार्ट है, वेयरएवर इट इज, एक कैची इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देने की कोशिश कर लेना. स्टार्ट एंड एंड विद अ गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दैट मीन्स एक्चुअली पॉजिटिव वे में करने की कोशिश कर लेना, राइट. नाउ ये वाले पार्शन हो गया. अभी आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दिस इज प्योरली अप टू मी. आप फॉलो कर रही हैं तो इट विल बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे रही है सो दैट एटलीस्ट आपको पता चले कैसे करना है. रीडिंग टाइम, रीडिंग सेशन के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स यू हैव टू गिव. 15 मिनट्स रीडिंग टाइम ऑलरेडी आपको मिल चुका है. टोटल 3 आवर्स की पेपर है, उसमें दैट मीन्स 180, राइट, 3 into 60, 180 मिनट्स आपको मिल जाएगा.
उसमें आपको रिमेंबर करना है मैक्सिमम 20 मिनट्स ओनली यू हैव टू गिव फॉर द रीडिंग पार्ट, दैट मींस 20 टू 30 मिनट्स जा सकते हैं। तो अभी 10:30 को एग्जाम स्टार्ट लिखना शुरू कर दिया, दैट मींस 11 o'clock तक आपको रीडिंग सेशन फिनिश होना चाहिए, नहीं हो गया तो आपको उधर से स्पीड अप करना है। राइटिंग पार्ट के लिए मैक्सिमम मैं बता रही 40 मिनट्स, दैट्स मोर दैन इनफ एक्चुअली राइटिंग सेशन के लिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेट, आपके पास सारे डिटेल सब कुछ डाटा सब कुछ है, तो 40 मिनट्स में आप आराम से वो सेशन फिनिश कर सकती है, राइट। देन कम टू द लिटरेचर, लिटरेचर में मैं मैक्सिमम टाइम बता रही है 80 मिनट्स, मैंने मोर दैन 80 मिनट्स आपको दे दिया है। तो अगेन मैं बता रही है आप 11:40 से राइट मानकर चलो तो 12:50 इवन 1 o'clock भी आपका राइट लिटरेचर पार्ट फिनिश कर दिया तो यू विल हैव 30 मिनट्स एम्प्यूल ऑफ टाइम, यू विल हैव इनफ रिमेनिंग 30 मिनट्स, आप आराम से रीचेकिंग एंड राइट वॉट एवर थिंग्स आपने छोड़ा है उसके लिए आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तीन फिनिश कर आपको 150 मिनट्स ओनली यू विल यूटिलाइज, स्टिल 30 मिनट्स आपके पास होगा। ये मैं एक्सैक्ट टाइमिंग नहीं है, अप्रोक्स टाइमिंग बता रही है, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। सो वॉट यू हैव टू डू दैट इन दैट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में आपको लास्ट चेकिंग करना है, राइट। कोई सभी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, रीचेकिंग करना है, राइट। ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, राइट, ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, वो आपको मेक श्योर करना है। एटलीस्ट फॉर्मेट तो लिख रखो, कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, जितना आपको पढ़ लिया वो सब कुछ लिख लिया फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आइडिया नहीं है, बेटा एटलीस्ट समरी तो लिख रखो, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, राइट। पॉइंट पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन और हाईलाइट द पॉइंट्स, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ये सब कुछ बताने के टाइम में फिनिश नहीं हो रही है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलती है, बट फिर भी आपको एक्सपेक्टेड टाइम में फिनिश नहीं हो रही है, बेटा एटलीस्ट 12 PM ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स 12 o'clock ऑनवर्ड्स आपको स्पीड अप करना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होती है लास्ट 10 मिनट्स में स्पीड अप करती है, उसी ढंग करके कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट 12 o'clock 12:30 तक आपको एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं चल रही है, उधर से स्पीड अप कर दो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन दिस स्मॉल वीडियो, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वंस अगेन ऑल द बेस्ट विशेस, माई प्रेयर्स, थैंक यू।